हेलो लर्नर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन 8 बातों का रखे ध्यान। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इज कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसे रिलेवेंट उसमें लिखना है, लेकिन सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी है। नो एक्स्ट्रा कॉपी विल बी गिवन। कोई भी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलती है आपको। आंसर कॉपी जो दी जाती है वो 16 पेजेस की होती है, 32 साइड्स के होते हैं, और उसी में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो याद रहे कि कोई भी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगी आपको। उसी कॉपी में जो पहली कॉपी मिलती है उसी कॉपी में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यूज़ ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन। यानी कि आपको पता है कि स्कैनिंग होती है, कॉपी की स्कैनिंग की जाती है, उसके बाद उसको एवेल्यूएशन होता है। तो ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का ही यूज़ करें, पेंसिल का यूज़ ना करें, क्योंकि ब्लू ब्लैक बॉल पेन स्कैनिंग में अच्छे से शो होता है। रीच एग्जाम सेंटर बिफोर हाफ एन आवर। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंचना है। 2 बजे का पेपर है तो 1:30 बजे से पहले पहुंच जाइए। अगर 9:30 बजे का पेपर है तो 9 बजे से पहले पहुंच जाइए। करेक्टली फिल योर डिटेल्स इन OMR शीट ऑफ आंसर कॉपी। आंसर कॉपी की जो OMR शीट होती है उसमें अपने सभी डिटेल्स को करेक्टली फिल करिए, क्योंकि अगर आपने कहीं भी कोई एरर कर दी तो आपका रिजल्ट रुक सकता है और साथ ही साथ आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। एडमिट कार्ड विथ ओरिजिनल आईडी कार्ड। यानी कि आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ ही साथ अपने एक ओरिजिनल आईडी कार्ड या आधार कार्ड रखें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आपको एडमिट के साथ एक ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है। और राइट आंसर कॉपी नीट एंड क्लीन। अपनी पूरी आंसर कॉपी को साफ सुथरा लिखें और यूज़ यूनिवर्सिटी प्रेफर्ड कैलकुलेटर। जो भी यूनिवर्सिटी ने कैलकुलेटर प्रेफर किया है सिर्फ उसी को यूज़ करें। तो इन सभी का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे लिखना है, क्या कौन से कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं। तो ये 8 बातें ध्यान में रखें एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।